इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो गुफ्तगू मोहतरम वज़ीर इत्तला जनाब मुश्ताक बिना साहब ने यहाँ पर की है उसकी तायद करता हूँ। बल्कि मैंने कल कह रहा था कि अगर आप फिर कुछ दिनों के लिए बोलता पाकिस्तान में चले जाएं मज़ा नहीं है, कुछ अकेले ही हैं अपने नुसर जावेद साहब तो को मज़ा नहीं आ रहा, तो आप कुछ दिन जाए, कुछ दिन जाए वो है, लेकिन वो जो एक होता है ना मसलन एक 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 बन जाता है, एक प्रोग्राम बन जाता है उनके जो लोग उसमें जो होते हैं उस पर उसकी एक प्रोग्राम की बन जाती है वो। बहरहाल मैं आपसे जो गुजारिश करना चाहता हूँ, एक तो आपको आज़ाद कश्मीर की दावत देता हूँ दौरे की, सबको आप आइए, आपका अपना मुल्क है आज़ाद कश्मीर, और कश्मीरी जो है वैसे जम्मू कश्मीर के लोग वो जब अपने पाकिस्तानी भाइयों को कवाला पार या जहाँ से भी दरिया जलम से आप आज़ाद कश्मीर में क्रॉस करते हैं वो खुश होते हैं, आपको उनके चेहरे खुशी से खिलखिला उठते हैं, चेहरे मतलब उनके उन पर खुशी की हंसी आ जाती है, उनके चेहरे चमकना शुरू हो जाते हैं कि मेरा भाई आया पाकिस्तान से। यानी जो कराची से आएगा अंदरून पाकिस्तान से कहीं आएगा वो जब आएगा तो मुझे खुशी होगी ना। अब प्रॉब्लम यह है कि अब कौमी अखबारात की कमी होगी उस तरह हिसाब से, अब वो इलाकाई एडिशन बन गए, मेरी खबर ही आप तक नहीं जाती। अच्छा अब ये जो मैं यहाँ गुफ्तगू करूँगा ये कल मैं खुद ही पढ़ूंगा, फिर मैंने खुद अपनी गुफ्तगू पढ़नी है, मेरी गुफ्तगू जो है वो नहीं जाएगी मुल्क के अंदर। ये मैंने बल्कि पिछली दफ़ा मैं लाहौर गया था, मुझे बरहान शामी साहब थे, निज़ामी साहब थे, सब हजरात थे वहाँ पर, तो मैंने उनसे यही बात की थी कि जो कुछ कश्मीर के अंदर या आज़ाद कश्मीर के अंदर होता है तो उसे पाकिस्तान के लोगों को भी जो है वो उसे उनको बाखबर रहना चाहिए। कल पुलवामा में दो शहीद कर दिए गए कश्मीरी, वहाँ मातम है, आज यहाँ जश्न मनाया जाएगा शाम को। अभी हमारी बदकिस्मती है जिस पर मुझे दुख और तकलीफ होती है। अब मैं वज़ीर दाखला को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने कहा जो लाहौर में जो अंदर ना वाक़ पेश है उन्होंने कहा इस पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मुनासिब नहीं है मेरा। कश्मीरी पाकिस्तान के परचम में दफन होते, हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तानी परचम खड़ा करते हैं अफवाज के सामने,